लें जी, मैंने आज की रेसिपी का म्यूजिक मामू तारक हजारवी के गानों से लिया है जी। अब इसको हम ब्राउन करेंगे। ये हम थोड़ा सा प्याज ब्राउन कर लें, फिर हम इसमें चिकन ब्राउन करेंगे। ग्रीन मिर्चें लहसुन के साथ हम पीस रहे हैं, मिक्सचर में हम कूट रहे हैं, क्योंकि जड़े लाल चावल नहीं थे ना, चिट्टे थे मैंने, अच्छे लग गए ना चिट्टे चावल। अच्छा, ये वाइट पुलाव बनेगा। अच्छा, वाइट पुलाव में ग्रीन मिर्ची अच्छी लगती हैं। हमने 4-5 मिर्चें डाली हैं, अब थोड़ी सी हम रेड चिली भी डालेंगे। आज स्पाइसी राइस बनाएंगे हम। अब लहसुन और मिर्चें डाल दी है ना जी। हाँ, अब इसमें हम थोड़ा सा ब्राउन करके डालेंगे चिकन, या भी डाल रही हो? हाँ, चलो डालो। हाँ, थोड़ी थोड़ी देर तक डाल रहे हैं हम इसमें चिकन। हाँ चलो, पहले हमने घी में प्याज ब्राउन किया, लहसुन और वो लहसुन अदरक और ग्रीन मिर्ची हमने इसमें डाली, हल्का सा उसको सोच के अब हम इसमें चिकन डाल रहे हैं। अब हम कितनी देर चिकन भूनेंगे? बस थोड़ी देर बची, फिर इसमें ये डाल दूंगी मैं टमाटर, फिर मिर्चे, नमक। अच्छा, थोड़ी देर हम चिकन को भून के, तो जब अच्छा खासा भून जाए तो फिर उसमें हम ये टमाटर डालेंगे और फिर नमक मिर्चें डालेंगे, फिर बाद में ये आलू चने। हाँ, ये बाद में डालेंगे। तो राइस तो राइस कहाँ पड़े हैं? राइस भी तो साफ करने हैं, धोने हैं, भिगोने हैं। अच्छा, राइस भिगो के रखे हुए हैं। अब हम टमाटर डाल रहे हैं, टमाटर डाल रहे हैं। देखिए, हमने टमाटर डाल दिए। हम बना रहे हैं वाइट पुलाव फ्रेश चनों वाला, मिर्चें डाल रहे हैं। नमक डाल दिया है ना? नमक डाल दिया। अब जो टमाटर थोड़े से गल जाए फिर हम इसमें ये डालेंगे आलू और चने, फिर उसको भून के, फिर पानी डाल के, फिर हम चावल डाल देंगे। ये देखें जी, पानी डाला हमने, सब कुछ भून के पानी में, फिर हमने राइस डाल दिए हैं। ये मैंने कहा भी था मेट को, ज़रा मुझे बताना पानी पानी में डालते वक्त, उसने बताया नहीं। चलें, ये आप यूँ ही देख लें, मज़ेदार वाइट पुलाव रेडी है।
हमने फ्रेश चने, ग्रीन चने जिनको कहते हैं वो डाले हैं। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।